अस्सलामु अलैकुम तमाम सुनने और देखने वालों को द उर्दू नॉलेज की जानिब से खुशामदीद। आज हम ऐसे उलुल अज़्म हुक्मरान की बात कर रहे हैं कि जिसने बैतुल मुकद्दस और साहिल शाम पर यूरोपी सलेबियों के ग़ासबाना कब्ज़े के बाद इनके ख़िलाफ़ जहादी तहरीक शुरू करके शिकस्त खुर्दा मुसलमानों को नए अज़्म से सरशार किया था और मुल्क शाम को सलेबियों के कब्ज़े में ले जाने से बचाया। उमादुद्दीन बिन आक संकर बिन अब्दुल्ला का ताल्लुक तुर्कमान कबाइल के शाख आल तुर्गान से था। इनके वालिद अबू सईद कसीमुद्दौला आक संकर सुल्तान मुल्क शाख सलजोकी के आजिब यानी कि नायब सुपसलार थे। सुल्तान ने उन्हें कसीमुद्दौला यानी शरीक सल्तनत का खिताब दिया था और हकूमती और इंतजामी अमूर सौंप रखे थे। आग शंकर शाही तख्त के दाएं तरफ खड़े होते और इनसे आगे कोई ना होता। मुल्क शाह की वफात पर इनके जानशीनों के तनाज़े में आग शंकर हाकिम हलब ततश बिन अलप अरसलान के हाथों मारा गया। अबू सईद आग शंकर की वफात के बाद बगदाद के गवर्नर आग शंकर बरसकी ने इमादुद्दीन को वासित का हाकिम बनाया। इसके बाद सुल्तान महमूद सलजोकी ने इमादुद्दीन को मौसूल यानी इराक का हाकिम मुकरर किया। इस वक्त फलस्तीन साहिल शाम और एशियाए कोचक में चार सलेबी रियासतें कायम थीं यानी कि यरूशलम बैतुल मुकद्दस अंताकिया त्राबलस और अलारा यानी एडसा शदबिल्ला। इधर मुसलमान हुक्मरान अपनी बहमी इख्तलाफात और झगड़ों का शिकार थे। शाम कई रियासतों में बटा हुआ था। सुल्तान मसऊद सलजोकी और अब्बासी खलीफा बस्तर शदबिल्ला के माबैन भी नाज़े चल रहा था। अगरचे बगदाद में अब्बासी खिलाफत कायम थी मगर इसकी कमजोरी के बायस असल इक्तदार सलजोकी सलातीन के हाथ में था। इस सूरत हाल में इमादुद्दीन जंगी के बड़े ये कारनामा आ पड़ा कि वो जालिम सलेबियों के खिलाफ उठ खड़े हों। चुनाचा उन्होंने एक अजीम मकसद के तहत उम्मत मुसलमा की क्यादत का बेड़ा उठाया और शाम पर तवज्जो दी, जिस पर कुछ हरीस इक्तदार मुसलमान काबिज थे और ख़तरा था कि सलेबी किसी भी वक्त हल्ब पर कब्ज़ा कर ले। चुनाचा अबादुद्दीन जंगी ने मौसल पर अपनी हुक्मरानी के चंद माह बाद ही हलब शहर का मुहासरा किया, जो कई बार जारी रहा और यकम मुहर्रम 222 हिजरी को हलब और दमिश्क पर इनका कब्ज़ा हो गया। फिर अबादुद्दीन ने सरजी और दारा के शहर फतह करके मशहूर किला हसन असारब सलेबियों के कब्ज़े से आज़ाद करा लिया। इमादुद्दीन जंगी ने खलीफा मस्तर शदबिल्ला और सुल्तान मसऊद सलजोकी के बाहमी इख्तलाफात ख़त्म कराने का फरीज़ा भी अंजाम दिया। उन्होंने कई किरदारों के किले हमीदिया हरकारिया और कालतुसौर फतह कर लिए और 528 हिजरी में दियाबकर यानी तुर्की और इलाक़े जब्बाल शुमाली मगरबी ईरान अपनी सल्तनत में शामिल कर लिए। अगले साल उन्होंने शाम के बेशतर इलाकों पर कब्ज़ा का दिल
सबसे बड़ा शहर था, इस पर भी काबिज होने की कोशिश की मगर कामयाबी ना हुई। इन फतूहात का मकसद सलेमियों के खिलाफ जिहाद में मुसलमानों का एक मजबूत मुतहिदा महाज कायम करना था। अमादुद्दीन ने अलरा यानी एडसा का रुख किया। जनूबी तुर्की में एडसा के सलेबी रियासत 1098 ईस्वी में फ्रांसीसी सलेबी सरदार गाडफ्रे ने कायम की थी, जिसने एडिसा में अपने भाई बाल्डोन को हुक्मरान बनाकर अगले साल यलगार करके यरूशलम यानी बैतुल मुकद्दस की बादशाहत हासिल कर ली। खूनखार गाडफ्रे के सलेबियों ने सिर्फ मस्जिद अक्सा के अंदर 70,000 पना गजीर मुसलमान मर्द, औरतें और बच्चे शहीद कर डाले। अताबक अमादुद्दीन जंगी ने 28 दिन एडिसा का मुहासरा किया। इसका किला इतना मजबूत था कि जंगी लश्कर ने मंजनीकों से फसील के बाज हिस्से तोड़ फोड़ दिए। तो 28 जबादियुल आखिर यानी 539 हिजरी को सलेबियों ने हथियार डाल दिए और इस सलेबी रियासत का खात्मा हो गया, जिसके जनूब में शाम के इलाके मुस्तकिल खतरे में थे और जनूब मशरक में खुद मोसल भी खतराक से दो चार थे। फतेहुल अरहा यानी एडसा मुसलमानों का एक दिफाई इत्तेहाद कायम हो गया और सलेबी हमला आवरों के लिए यह मुमकिन ना रहा कि वो अपनी अस्करी फतूहात को थोड़ा थोड़ा करके वसत देते रहे। इसके बाद सूरत हाल को बहाल करने और इमारात मोसल की जहादी तहरीक के सद्देबाब ही के लिए यूरोप ने 542 हिजरी में दूसरा सलेबी हमला किया, जो सुकोतुल अरहा को फौरी नतीजा था, और इस दूसरी सलेबी जंग को नाकाम बनाने के लिए अमीर अमादुद्दीन जंगी के फरजंद और जानशीन सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी ने कायदाना किरदार अदा किया। ये दो बरेआज़मों या दो दुनियाओं का टुकड़ा था और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने पेशकदबी करके आलम इस्लाम के साबिक तारुल खिलाफा दमिश्क को सलेबियों के कब्जे से जाने से बचा लिया। तुर्की में अबादुद्दीन जंगी से निजात पाने की फिक्र में थे, चुनाचा उन्होंने एक दहशतगर्द और कातिल गिरोह तैयार किया। फिर जब 6 रबीउल अव्वल 541 हिजरी को बतल जलील अबादुद्दीन जंगी दरियाए फरात पर वाक़ा किला जैबर का मुहासरा किए हुए थे, किराए के बातिनियों और सलेबियों का एक गिरोह जो खुफिया तौर पर अबादुद्दीन जंगी के हिफाजी दस्ते में शामिल हो गया, इसने शाही खैमे में दाखिल होकर अमादुद्दीन जंगी को तीद की हालत में शहीद कर दिया। इस तरह ये अजीम मुजाहिद और इसके शाहसवार अपनी तवील जहादी जिंदगी में दीन इस्लाम की खिदमत करते हुए जहाँ बहक हो गए, जबकि वो अहल इस्लाम की फरामोश करता जहादी रवायत को जिंदा कर चुके थे और बाद में आने वाले मुजाहिदीन के लिए उन्होंने मजबूत बुनियादें फराहम कर दी। अमादुद्दीन जंगी शहीद का छोड़ा हुआ काम इसके काबिल नशीन सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने अंजाम दिया। 11वीं-12वीं सदी ईस्वी में मुलहद हसन बिन सबाह के पैरोकार बातनी इस्माइली, जो हशाशीर भंग पीने वाले कहलाते थे, आलम इस्लाम में फैल गए। इनका मरकज शुमाली ईरान का मजबूत पहाड़ी किला उल मौत था। इन बातनी फिदाइयों ने मुल्क शाह सलजोकी के दानिशमंद वजीर निजामुल मुल्क तूसी को 1092 ईस्वी में शहीद कर दिया। पहली सलेबी जंग 1096 और 1099 की कामयाबी के बाद मोसल के हाकिम शरफुद्दौला मदूद ने 507 ईस्वी में सबसे पहले बैतुल मुकद्दस को सलेबी कब्जे से आज़ाद कराने के लिए पेशकदमी की थी। वो अपने मुख्तसर लश्कर के साथ सलेबियों से जा टकराए। मगरबी शाम में मुसलमान और सलेबियों में खौफनाक जंग शुरू हो गई थी, लेकिन कोई फरीक दूसरे को ना हरा सका। तो अवीर मदूद दमिश्क की तरफ पलट आए ताकि असर नौ जहाद की तैयारी कर सके। दरी असना हशाशीन फिदाइयों ने अबादुद्दीन की जान लेने की तैयारी कर रखी थी। अमीर मदूद जुम्मे के दिन जामिया अमवी दमिश्क में दाखिल हुए। एक हशाशी
فدائی لپک کر آیا، اس نے امیر مودودی کو آواز دی اور اس نے بھیک مانگی۔ پھر اچانک اس کی ناف کے نیچے خنجر کے دو وار کر کے انہیں شہید کر دیا۔ محافظین کی تلواروں نے اس ملعون کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ یوں خونخوار سلیمیوں کے خلاف جہاد کا پرچم بلند کرنے والے پہلے مسلم حکمران سے عالم اسلام محروم ہو گیا۔